गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स, माई सेल्फ शान पटेल। टूडे वी आर गोइंग टू स्टार्ट पार्ट वन ऑफ एक्सरसाइज 5.2। आज हम एक्सरसाइज 5.2 का पार्ट वन सीखने जा रहे हैं। कौन सा? पार्ट वन। ओके, नाउ क्वेश्चन नंबर वन। अ सर्वे वॉज मेड टू फाइंड द टाइप ऑफ म्यूजिक दैट अ सर्टेन ग्रुप ऑफ यंग पीपल लाइक इन द सिटी। एक सिटी में पीपल का ग्रुप है, वो कौन से म्यूजिक को लाइक करता है, वो यहाँ पे एक चार्ट दिखाया गया है। इसको, ये जो सर्कल वाला जो चार्ट जो होता है, उसको पाई चार्ट कहा जाता है। क्या कहा जाता है? पाई चार्ट। द फॉलोइंग पाई चार्ट शो द फाइंडिंग ऑफ सर्वे। ये पाई चार्ट जो है उसके ऊपर से हमको यहाँ पे आंसर्स लिखे। जैसे कि यहाँ पे दिखाया गया है पाई चार्ट में कि जो क्लासिकल जो डांस है, क्लासिकल म्यूजिक, उसको 10% पीपल जो है वो उसको लाइक करते। सेमी क्लासिकल जो म्यूजिक जो होते हैं उसको 20% पीपल लाइक करते हैं। लाइट को 40% और फोक को 30%। ओके, नाउ फ्रॉम दिस पाई चार्ट आंसर द फॉलोइंग। फर्स्ट नंबर, इफ 20 पीपल लाइक क्लासिकल म्यूजिक, हाउ मेनी यंग पीपल वेयर सर्वे। यहाँ पे ऐसा भी है, अगर 20% पीपल क्लासिकल म्यूजिक को लाइक करते तो हाउ मेनी पीपल वेयर सर्वे, तो कितने पीपल यहाँ पे सर्वे हो गए। तो यहाँ पे देखो, क्लासिकल में 10% लिखा गया है, तो अगर 10 पीपल लाइक करते 10%, अगर हम 10% ले तो हमें 100 पीपल मिलते। कितने? 10% में 100 पीपल लू तो 20 पीपल का फाइन करना है हमको, तो 20% में कितने हो गए वो हम फाइन कर लेते। देखिए, क्रॉस मल्टीप्लाई कीजिए, 20 × 100 / 10। देखो, 10 × 20 होता है, तो बचा क्या हमारे पास? 2 × 100 × 200। ओके, तो 200 पीपल ऐसे हो गए। सो 200 यंग पीपल वेर सर्वेड, तो 200 यंग पीपल यहाँ पे सर्वे हो गए। ओके, नाउ विच टाइप ऑफ म्यूजिक इज लाइक बाय द मैक्सिमम नंबर ऑफ पीपल। यहाँ पे ऐसा बताया गया है, सबसे ज्यादा कौन सा म्यूजिक यहाँ पे लाइक हो रहा है, जो मैक्सिमम नंबर ऑफ पीपल लाइक करते। तो देखिए, यहाँ पे सबसे ज्यादा 40% लाइट म्यूजिक। कौन सा म्यूजिक है? लाइट म्यूजिक। तो यहाँ पे हम लिख देंगे लाइट म्यूजिक। क्लियर? देन इफ अ कैसेट कंपनी वॉन्ट्स टू मेक 1000 CDs, अगर कैसेट कंपनी उसको 1000 CDs बनानी हो, तो हाउ मेनी ऑफ ईच टाइप ऑफ वुड दे मेक। तो वो एक सीडी, एक टाइप की कितनी सीडी बनाएगा, मीन्स लाइट म्यूजिक की कितनी बनाएगा, सेमी क्लासिकल म्यूजिक की कितनी बनाएगा, क्लासिकल म्यूजिक की कितनी बनाएगा। समझ में आ रहा है? तो यहाँ पे सबसे पहले हम क्लासिकल म्यूजिक की लेते, सीडीज ऑफ क्लासिकल म्यूजिक। क्लासिकल म्यूजिक की सीडी फाइन करनी हो तो क्लासिकल म्यूजिक में देखो कितने 10% है, तो 10% ऑफ 1000 लेने का। 10% ऑफ 1000 मीन्स 10% ऑफ 1000 मीन्स 10 / 100 × 1000। 10% मीन्स 10 / 100 होता है। ओके, यहाँ पे 00 यहां से कट करेंगे, 00 यहां से कट करेंगे, तो हमारे पास क्या बचा? 10 × 100, इसकी 100 CD बनाएंगे क्लासिकल म्यूजिक की। ओके, देन सीडी ऑफ सेमी क्लासिकल, सेमी क्लासिकल की कितनी सीडी बनाएंगे, तो सेमी क्लासिकल की यहां पे 20% दिया गया है, तो 20 / 100 होगा, मल्टीप्लाई बाय 1000 करते हैं, तो 00 यहां से कट, 00 यहां से कट, 20 × 10 = 200, सेमी क्लासिकल की 200 सीडीज बनाएंगे।
उसके बाद फोक म्यूजिक, फोक म्यूजिक में 30% है, सो 30 डिवाइड बाय 100 मल्टीप्लाई बाय 1000 इज इक्वल टू 00, यहाँ से कट 00, यहाँ से कट 100, 300, यहाँ है इसकी 300 सीडी बनेगी। उसके बाद सीडीज ऑफ लाइट म्यूजिक, लाइट म्यूजिक में 40% दिया है, तो 40 डिवाइड बाय 100 मल्टीप्लाई बाय 1000, 00 यहाँ से कट, 00 यहाँ से कट, 40 10 400, इसकी 400 सीडी बनेगी। समझ में आ रहा है? तो क्वेश्चन नंबर 1 यहाँ पे कंप्लीट हो रहा है। नाउ एक्सरसाइज 5.2 क्वेश्चन नंबर 2, अ ग्रुप ऑफ 360 पीपल वेयर आस्क्ड टू वोट फॉर देयर फेवरेट सीजन फ्रॉम द 3 सीजन, रेनी विंटर एंड समर। यहाँ पे 360 पीपल का एक ग्रुप है जिसको पूछा गया है कि उसको कौन सी सीजन उसको फेवरेट लगती है, समर, रेन या विंटर। ओके, तो यहाँ पे नंबर ऑफ वोट्स दिए गए कि समर जो है वो 90, वो उसको 90 वोट्स मिलते हैं, रेनी को 120 वोट्स मिलते हैं और विंटर को 150 सबसे ज्यादा वोट्स मिलते हैं। ओके, यहाँ पे उसका फ्रैक्शन लिखना हो तो फ्रैक्शन इस तरीके से लिख सकते हैं। देखिए फ्रैक्शन, स्पेलिंग यहाँ पे रॉन्ग दिया है फ्रैक्शन का, ये FRACTION वो एन आएगा। फ्रैक्शन लिखना हो तो 90 वोट से, तो यहाँ पे 90 डिवाइड बाय टोटल 360 है, तो यहाँ पे ऐसे 360 लिख सकते हैं फ्रैक्शन में। इसका फ्रैक्शन लिखना हो तो 120 डिवाइड बाय 360, इसका फ्रैक्शन लिखना हो तो 150 डिवाइड बाय 360, इस तरीके से हम फ्रैक्शन लिख सकते हैं। ओके, नाउ सेंट्रल एंगल, सेंट्रल एंगल फाइंड करना हो तो फ्रैक्शन को 360 से मल्टीप्लाई कर देने का। जैसे कि समर जो है, समर का फ्रैक्शन 90 डिवाइड बाय 360 है, या फ्रैक्शन 90 डिवाइड बाय 360 है, इसको मल्टीप्लाई बाय 360 कर देने का। क्योंकि सेंट्रल एंगल फाइंड करना हो, सर्कल जो पूरा होता है वो 360 डिग्री का होता है। ओके, तो इसको 360 से मल्टीप्लाई कर देने का, 360 कट हो जाएगा तो हमको यहाँ पे मिलेगा 90 एंगल मिलेगा। उसी तरीके से इसका एंगल फाइंड करना हो रेनी का, तो 120 डिवाइड बाय 360 एंगल दिया गया है, मल्टीप्लाई बाय 360 कर दो, 360 कट हो जाएगा, हमको मिलेगा 120 डिग्री एंगल। उसके बाद हमको विंटर का जो फ्रैक्शन दिया गया है 150 डिवाइड बाय 360 मल्टीप्लाई बाय 360 कर दीजिए, 360 कट, हमको आंसर मिल जाएगा, जो सेंट्रल एंगल है वो 150 डिग्री मिल जाएगा। एंगल ऑलवेज डिग्री में ही आते हैं, 90 डिग्री, 120 डिग्री, 150 डिग्री। ओके, याद रखिएगा। नाउ फर्स्ट नंबर, विच सीजन गोट द मोस्ट वोट्स, सबसे ज्यादा कौन सी सीजन को सबसे ज्यादा वोट्स मिले, तो देखिए यहाँ पे 150 विंटर को, किसको, विंटर, तो यहाँ पे लिख दीजिए विंटर। नाउ फाइंड द सेंट्रल एंगल ऑफ इच सेक्टर, यहाँ पे सेंटर एंगल फाइंड करने, तो यहाँ पे मैंने सेंटर एंगल फाइंड कर दिया ऊपर ही तीनों के, वही है बराबर, यहाँ पे सेंट्रल एंगल यही होगा, यही है, ये सेंट्रल एंगल में यही आएगा, ऊपर का ये जो क्वेश्चन है ना वही आएगा सेंट्रल एंगल। नाउ ड्रॉ पाई चार्ट टू शो दिस इंफॉर्मेशन, यहाँ पे हमको इसका पाई चार्ट ड्रॉ करना है, इन्फॉर्मेशन का पाई चार्ट, अगर एंगल दिए गए हो तो ही हम पाई चार्ट ड्रॉ कर सकते, याद रखेगा। और पाई चार्ट ड्रॉ करने, यहाँ पे एंगल दिए गए 90 डिग्री, 120 डिग्री, 150 डिग्री, एंगल दिए गए हो तो ही हम पाई चार्ट ड्रॉ कर सकते। और पाई चार्ट ड्रॉ करना हो तो सबसे पहले हमको एक सर्कल ड्रॉ करना पड़ता है, क्या करना पड़ता है, एक सर्कल बनाना पड़ता है, जिसके लिए हमको क्या चाहिए, सर्कल बनाने के लिए राउंडर चाहिए, क्या चाहिए, राउंडर, राउंडर से ही सर्कल बनेगा। तो ये आ गया हमारे पास राउंडर, इससे सबसे पहले तो पाई चार्ट ड्रॉ करना हो तो सबसे पहले एक सर्कल ड्रॉ कर देंगे। आप मेजरमेंट कोई भी ले सकते हो, बराबर, इतना ले सकते हो, इतना इतना इतना, कोई भी मेजरमेंट ले सकते हो। यहाँ पे भी इतना मेजरमेंट लेके एक सर्कल बनाता हूँ, देखिए यहाँ पे मैंने एक सर्कल ड्रॉ कर दिया। ओके, अभी यहाँ पे देखिए ये सर्कल जो मैंने ड्रॉ किया है उसमें सबसे पहले तो यहां से एक ऐसे लाइन ड्रॉ कर देने की,
कोई भी साइड यहाँ से एक लाइन ड्रॉ कर देने की सर्कल से, जैसे कि मैं यहाँ पे लाइन ड्रॉ करता हूँ, मैंने यहाँ पे लाइन ड्रॉ की बराबर, ऐसे सबसे पहले एक लाइन ड्रॉ कर देने की। अब सबसे पहले मुझे यहाँ पे समर जो है उसमें कितनी डिग्री दी है, 90 डिग्री, तो यहाँ पे प्रोटेक्टर से मैं 90 डिग्री लूंगा एंगल, कितने का 90 डिग्री। प्रोटेक्टर का सेंटर पॉइंट है वो यहाँ सेंटर पॉइंट में आना चाहिए, सर्कल के सेंटर पॉइंट में, और ये लाइन जो है वो उस लाइन के ऊपर आनी चाहिए। आ गई यहाँ पे लाइन, देखे हाँ ओके, यहाँ पे 90 डिग्री का भी ये लाइन जो है वहां से जीरो से देखने का, जीरो से 90 डिग्री कहाँ पे आएगी, यहां पर आएगी 90 डिग्री, तो वहां पे पॉइंट कर दीजिए यहाँ पे 90 डिग्री पे। अभी क्या करना है, ये सेंटर पॉइंट और वो जो हमने पॉइंट किया 90 डिग्री का, वहां पे एक लाइन खींच लेनी है ऐसे, तो ये हो गया 90 डिग्री। 90 डिग्री में क्या है, समर है ना, तो यहां पे 90 डिग्री में लिख देना है हमको समर, है ना, बहुत ही इजी। उसके बाद रेहनी का कितना डिग्री है, 120 डिग्री, तो अब यहां से जो न्यू लाइन आई ना वहां से देखने का 120 डिग्री कहां पे आएगी, ऐसे रखो, इस लाइन के ऊपर आना चाहिए प्रोटेक्टर, देखिए यहां पे सेंटर पॉइंट में, यहां पे सेंटर पॉइंट में आना चाहिए, और ये जो लाइन है वो ब्लैक लाइन के ऊपर आनी चाहिए, हो गया, हाँ हो गया। यहां पे देखिए अब जो न्यू लाइन जो है वहां से जीरो देखने का, 120 कहां से आएगा, यहां से जीरो से देखेंगे तो 120 कहां आएगा, यहां पर आएगा 120, ओके। अब यहां से ये पॉइंट जो है वहां से सेंटर पॉइंट को ज्वाइन करेंगे, मीन जहां तक सर्कल है वहां तक ही खींचने के लाइन, ओके, ऐसे हो गया। तो ये बन गया 120 डिग्री का एंगल, ये हो गया 90 डिग्री यहां पे जिसमें समर था, ये हो गया 120 डिग्री जिसमें क्या था, रेनी। समझ में आ रहा है, 120 डिग्री में रेनी है, और बाकी का ये जो बचा वो कितना होगा, 150, देख ले, चेक कर लेते हैं 150 है कि नहीं है, यहां पे प्रोटेक्टर रख के चेक कर लेते हैं, ये न्यू लाइन जो बनी वहां से चेक करने का। देखिए हो गया, यहां से हम देखेंगे अगर जीरो से, तो देखिए लाइन दिख रही है 150, यहां पे आ गया 150, तो ये जो पूरा सर्कल है वो 150, वो है विंटर, क्या है विंटर, 150 डिग्री यहां पे हम लिख देंगे विंटर, आ रहा है समझ में, बहुत ही इजी है। तो इस तरीके से हम पाई चार्ट ड्रॉ कर सकते हैं, समझ में आ रहा है, यहां पे हमारा क्वेश्चन नंबर 2 फिनिश हो रहा है, ओके। नाउ क्वेश्चन नंबर 3, ड्रॉ पाई चार्ट शोइंग द फॉलोइंग इन्फॉर्मेशन, द टेबल शो द कलर्स प्रिफर्ड बाय अ ग्रुप ऑफ पीपल। यहाँ पे हमको कुछ कलर्स दिए गए, जैसे कि ब्लू कलर है वो नंबर ऑफ 18 पीपल को अच्छा लगता है, वो ग्रीन कलर है 9 पीपल, रेड में 6 पीपल है, येलो में 3 पीपल है, टोटल है 36 पीपल, ओके। यहाँ पे उसका रेशियो दे, फाइंड द प्रोपोर्शन ऑफ ईच सेक्टर, उसका प्रोपोर्शन दिखाया गया है रेशियो। द ब्लू कलर सेंटर एंगल ऑफ द, यहाँ का इसका हमको सेंटर एंगल फाइंड करना है, जैसे कि ब्लू कलर का मुझे सेंटर एंगल फाइंड करना हो, तो ब्लू कलर में 18 पीपल है, तो यहाँ पे लिख देने का हमको 18 डिवाइड बाय टोटल कितने है पीपल, 36, तो नीचे 36 लिखेंगे, ओके, मल्टीप्लाई बाय 360, एंगल फाइंड करना हो तो 360 से मल्टीप्लाई करना पड़ता है, यहाँ पे कट करें हम तो 360 होता है 36 tanja 360, अभी 18 मल्टीप्लाई में मैं 10 करूंगा तो 180 डिग्री आएगा, समझ में आ रहा है। उसी तरीके से ग्रीन कलर, ग्रीन कलर में 9 है, तो लिखने का 9 डिवाइड बाय 36 मल्टीप्लाई बाय 360 tanja कर दो, तो 10 9 90 डिग्री हो जाएगा। रेड कलर में 6 है, तो 6 डिवाइड बाय 360 होगा,
मल्टीप्लाई बाई 360, 36 टेन जा 360, तो बचा 6 मल्टीप्लाई बाई 10, 60 डिग्री। येलो कलर में 3 है, यहाँ पे 3 डिवाइड बाई 360 मल्टीप्लाई बाय 3 डिवाइड बाई 36 मल्टीप्लाई बाई 36, 36 टेन जा 360, 10 3 जा 30। समझ में आ रहा है? इस तरीके से हम एंगल सेंटर एंगल, इस तरीके से सेंटर एंगल अगर फाइंड करना तो नंबर दिया वो लिखने का, नीचे टोटल नंबर लिख देने का, टोटल नंबर 36 मल्टीप्लाई बाई 360। सेंटर एंगल फाइन करना हो तो 360 से कंपलसरी मल्टीप्लाई करना पड़ता है। ओके, अभी यहाँ पे हमको ऐसा दिया गया है कि हमको यहाँ पे पाई चार्ट ऑफ दिस इन्फॉर्मेशन, इसका मुझे पाई चार्ट ड्रॉ करना है। तो आपको पता है कि पाई चार्ट ड्रॉ करना हो तो सबसे पहले क्या करना पड़ता है, एक सर्कल ड्रॉ करना पड़ता है। तो चलो सबसे पहले एक सर्कल ड्रॉ कर देते हैं पाई चार्ट के लिए। देखिए ये हो गया एक सर्कल, क्लियर। पाई चार्ट ड्रॉ करना हो तो सबसे पहले एक सर्कल ड्रॉ कर देने का, उसके बाद मैंने आपको बताया था सर्कल ड्रॉ करना तो कोई भी एक साइड एक लाइन ड्रॉ कर देने की, जैसे कि मैं इस साइड एक लाइन ड्रॉ कर दूं, सेंटर पॉइंट में से मैं यहां एक लाइन ड्रॉ कर देने की, हाफ लाइन। ओके, नाउ ये एंगल जो है वो अब ले लेते। देखे सबसे पहले तो 180 डिग्री का एंगल है ब्लू कलर में, तो प्रोटेक्टर से 180 डिग्री लेते। देखो 180 डिग्री कहाँ पे आएगी, प्रोटेक्टर का सेंटर पॉइंट, इस सेंटर पॉइंट पे रखना है, ये जो लाइन है वो ब्लैक लाइन के ऊपर आनी चाहिए। और अभी चेक करना है कि 180 डिग्री कहाँ पे आएगा। चलो 180 डिग्री कहाँ पे आएगा, तो ये जो लाइन है वहां से जीरो देखा, यहां से जीरो देखो तो 180 डिग्री कहाँ पे आएगा, यहां पे रहेगा। समझ में आ रहा है? ओके, तो चलिए वहां तक लाइन खींच लीजिए, 180 डिग्री है वहां से सेंटर पॉइंट तक। आपको बता दूं कि 180 डिग्री मीन्स हाफ सर्कल होता है। क्या होता है? हाफ सर्कल। पूरा सर्कल 360 डिग्री का होता है, 360 एंगल का फुल सर्कल होता है और 180 डिग्री का हाफ सर्कल होता है। तो ये हो गया 180 डिग्री, ये कितना हुआ 180 डिग्री, जिसमें कौन सा कलर है, ब्लू कलर। तो यहां पे हम लिख देंगे ब्लू कलर। ओके, नाउ ग्रीन कलर, ग्रीन कलर में 90 डिग्री है, तो ये जो न्यू लाइन जो आई वहां से देखने का 90 डिग्री, यहां से 90 डिग्री देखो, ओके। अब ये जो लाइन है वहां से जीरो से 90 डिग्री कहां पे आएगा, यहां पे आएगा। ओके, नाउ ये जो सेंटर पॉइंट है वहां से ये पॉइंट तक एक लाइन खींच लो, तो ये हो गया 90 डिग्री। ये जो 90 डिग्री है उसमें कौन सा कलर आएगा, ग्रीन कलर, कौन सा आएगा, तो यहां पे लिख दो ग्रीन कलर। नाउ रेड कलर 60 डिग्री, तो ये जो न्यू लाइन आई वहां पे रखो प्रोटेक्टर, यहां पे मैं प्रोटेक्टर रखू न्यू लाइन पे सेंटर में, ये लाइन जो है न्यू लाइन पे ही आना चाहिए, लाइन जीरो वाली लाइन सेंटर में रख दिया मैंने। अभी यहां से हमको देखना है, यहां से जीरो से ये लाइन, ये न्यू लाइन यहां पर है ना, तो यहां जीरो से देखने का 60 कहां पे आएगा, यहां पे आएगा 60, तो यहां पे पॉइंट कर देते हैं और वहां पे ऐसे लाइन कर देने की सेंटर में से। यहां पे मैं लाइन करूं तो ये 60 डिग्री रहेगा, 60 डिग्री जो है उसमें कौन सा है, रेड कलर, तो यहां पे मैं लिख दूंगा रेड कलर। ओके, ये जो बचा वो कितने का होगा, 30 डिग्री का, 30 डिग्री में येलो कलर है। समझ में आ रहा है? तो ये हो गया हमारा पूरा पाई चार्ट। दो यहां पे क्वेश्चन नंबर 3 फिनिश हो रहा है।